आप सुन रहे हैं प्रतिलिपि FM। कहानी का नाम है अनादि, जिसे लिखा है अनुराधा पचवारिया ने और आवाज दी है श्रीकांत सिन्हा ने। अनादि भाग एक, उसकी याद। वो जलती हुई आग के सामने बैठा हुआ था। उसका सुनहरा बदन इस तरह तप चुका था मानो आग में तपकर सोना कुंदन बन गया हो। पर वो हमेशा से ही ऐसा नहीं था। कभी वो बहुत कोरा चिट्टा हुआ करता था। लंबा कद, खूबसूरत चेहरा, गौर वर्ण, हसमुख व्यक्तित्व, कुल मिलाकर एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व का मालिक हुआ करता था, जिसकी एक मुस्कान पर गांव की सभी लड़कियां जान लुटाने को तैयार रहती थीं। पर उसका वर्तमान अब उसके अतीत से थोड़ा अलग हो चुका था। समय के थपेड़ों ने उसके रंग को पका दिया था और वे गांव की लड़कियां जो कभी उस पर जान लुटाने को तैयार रहती थी अब उससे बहुत अधिक सहानुभूति रखती थी। इस समय सर्द हवाएं उसके शरीर को अंदर तक कपा देना चाहती थी, पर वो भी अब पत्थर बन चुका था। सर्द हवाओं का उस पर कोई असर ही नहीं था, पर वो हमेशा से ही पत्थर नहीं था। उसमें भी एक दिल था जो थड़कता था और कभी उसके जीने की वजह हुआ करता था। पर जब से वो गई है उसके जीने की वजह ही चली गई। अब पत्थर और उसमें कोई फर्क नहीं था। उसकी सुनी आंखें बार बार उसे ढूंढती थी, कभी आसमान की ऊंचाइयों में तो कभी आग की लपटों में। आखिर अपने हाथों से ही उसने उसे अग्नि दी थी। दो आंसू उसके गाल पर ठलक पड़ते हैं। आंख बंद करके वो लरसते होठों से कहता है, बेका कहा हो तुम। उसके बाद एक ठंडी सांस लेता है और महसूस करता है कि अब वो उसके साथ नहीं है। उसे मेहिका के साथ वो पहली मुलाकात याद आती है, जब वो पहली बार नदी किनारे पानी भरने आई थी। उसकी ताजगी थी मेहिका की सुंदरता में। जब उसे पहली बार देखा था उसी समय मेहिका उसके दिलो दिमाग पर हावी हो गई थी। उसकी मासूम हंसी हर समय उसके कानों में गूंजती थी। तभी रात के सन्नाटे में उल्लू की आवाज से अद्विक के विचारों की तंद्रा भंग होती है और वो अपने वर्तमान में आ जाता है। नजर उठाकर देखता है, आसपास में कोई नहीं था। आग उसी प्रकार ही चल रही थी। उसने पास ही पड़ी लकड़ी से आग को हिलाया। आग और तेजी से चल उठी और साथ ही मेहिका की यादें भी। जब मेहिका को पहली बार देखा था तो बहुत समय तक वो उसे मन ही मन चाहता रहा। मेहिका उसे कभी देख भी लेती तो वो निठाल हो जाता था। शायद उसे अद्विक की चाहत का एहसास हो गया था। कभी कभी अद्विक कुछ फूल नदी किनारे पेड़ के नीचे रख देता था, जो अक्सर मेहिका के हाथों में उसे दिखाई पड़ जाते थे। मेहिका मुस्कुराकर पलके झुका लेती थी। दोनों उम्र के उस पड़ाव में खड़े थे जहां दो आत्माओं को एक अदृश्य से सूत्र में बांध दिया जाता है। दोनों को किस प्रकार समाज ने शादी नामक बंधन में बांध दिया था और वही बंधन अब खुल चुका था जब मेहिका ने आखिरी सांस ली थी। पर अद्विक का दिल उसकी यादों से मुक्त न हो पाया था। एक साल हो चुका था मेहिका को मरे हुए, किंतु अद्विक इस बात को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं था कि मेहिका अब नहीं है। उसकी चिता को आग देने के बाद अद्विक के सारे अरमान मर चुके थे और वो अपने घर जाने के बजाय उस खाली किले के आंगन में ही बैठ गया था, जहां से पास ही स्थित श्मशान घाट में चलती मेहिका की चिता दिखाई पड़ रही थी। वो लगातार अपलक उसका चाना देखता रहा। एक पल में ही ये क्या हो गया? उसे वो आखिरी दिन याद आ रहा था जब मेहिका कुछ दिनों से बड़ी परेशान लग रही थी। बार बार अद्विक के पूछने पर भी कुछ बता नहीं रही थी। बस उसने यही कहा था कि थोड़े दिन से जी घबरा रहा है। पता नहीं क्यों उसका जी घबरा रहा था। काश मैं उसे कह देता कि जंगल में लकड़ी बटोरने मत जा, घर पर ही आराम कर, तो आज मेहिका मेरे साथ होती। मेहिका तो हमेशा ही जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने जाया करती थी, लेकिन ये पहली बार हुआ था। जब वो गई तो वापस ही नहीं आई।
जब बहुत खोज की तो कुछ दिनों बाद जानवरों के द्वारा खाई हुई एक लाश वहां जंगल में मिली और जिसकी पहचान मिहिका के रूप में की गई। हालांकि चेहरा पूरी तरह से नष्ट हो चुका था, परंतु उसके कपड़े और हाथों की चूड़ियां बता रही थी कि वो मिहिका ही थी। किले का सन्नाटा साए साए कर रहा था। वहां के खालीपन में उल्लू और चमगादड़ों की उपस्थिति और उनके उड़ने की आवाजें ही उस खालीपन को भरती थी। आम इंसानों को वो आवाज ही बड़ी भयानक प्रतीत होती थी, किंतु अब अद्विक को उन आवाजों की आदत हो चुकी थी और उस जगह का खालीपन मिहिका की यादें ही भरती थी। सन्नाटे में उपस्थित वो किला और उसके पास ही लगते हुए श्मशान घाट में गांव का कोई भी व्यक्ति झांकने नहीं आता था, सिवाय सुरजन काका के अलावा। सुरजन काका ने अद्विक को बचपन से पाला था। वे उसके पिता तो नहीं थे, लेकिन पिता के सारे फर्ज उन्होंने ही पूरे करे थे। अद्विक के माता पिता के मृत्यु के बाद उन्होंने ही अद्विक की जिम्मेदारी इस प्रकार से उठाई कि उसे अपने माता पिता की कभी कमी महसूस नहीं हुई और अद्विक ही सुरजन काका के जीने की वजह बन गया था। सुरजन काका अद्विक के चाचा थे, लेकिन वे उसे कभी चाचा जैसे नहीं लगे। माता पिता दोनों का प्यार ही अद्विक को सुरजन काका से मिला। सोच विचार करते हुए रात बीत चुकी थी। चमगादड़ों की चहलकदमी अब बंद हो गई थी। वे वापस लौटकर वहां मौजूद पीपल और बड़ के पेड़ों में लटक चुके थे। वहीं उल्लू अब अगली रात तक के लिए आराम फरमाने अपने अपने आशियाने में लौट चुके थे। किले के अकेलेपन की भयावहता रात बीतने के साथ ही अब कम होने लगी थी, परंतु अद्विक को इन सब चीजों से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था। उसे तो लगता था कि जैसे सब परिंदे अपने घरों को लौट आते हैं, काश उसी तरह मिहिका भी अपने घर को लौट आए। अद्विक अपने आंसू पोंछता है। रात भर उसकी यादें आंखों से बरसती रही। ये बारिश थी या उसके होने का एहसास। अब सुबह का छुटपुटा हो चुका था। तभी अद्विक को एक जानी पहचानी आकृति पास आती नजर आ रही थी। उस सुनसान श्मशान घाट में सुरजन काका अपने शरीर का बोझ संभाले लकड़ी के सहारे चले आ रहे थे। अद्विक ने एक नजर सुरजन काका पर डाली और फिर ठंडी सांस ली। उनके वृद्ध होठ कपकपाते हुए वातावरण की निस्तब्धता को भंग करते हैं। चल बेटा, कब तक यहां बैठा रहेगा? कहां वापस चल? जाने वाली तो चली गई, उसे तो मोह नहीं था। अब वो वापस नहीं आने वाली। जो एक बार चला जाता है वो फिर कभी वापस आता है क्या? चल, अब तो गांव वाले भी पूछने लगे हैं, अब मैं बूढ़ा अकेला कैसे जिंदगी जीऊं? तेरी काकी भी कब का मुझे छोड़कर चली गई। तेरे सहारे ही मैंने जिंदगी काटी है। तू भी ऐसे करेगा तो कैसे काम चलेगा? सुरजन काका की बूढ़ी आंखों से कुछ बूंदे ढलक पड़ी। अद्विक, जो कि जमीन पर बैठा आग ताप रहा था, उसने अपना हाथ जमीन पर फिराया। उसके हाथ में कुछ मिट्टी आ गई और उस मिट्टी को उसने हाथ से छोड़ दिया और कहीं दूर देखता हुआ बड़ी गहराई से उसने कहा, काका, किस तरह से चीजें हमारे हाथ से निकल जाती हैं और हाथ खाली रह जाता है और हम यूं ही अफसोस करते रह जाते हैं। काश मिहिका मुझे ऐसे छोड़कर ना गई होती, अब तो मेरे जीने की वजह ही खत्म हो गई। सुरजन काका एक ठंडी सांस लेकर बोले, ऐसा मत बोल। वे अपनी लाठी के सहारे वहीं जमीन पर बैठ गए जहां अद्विक बैठा हुआ था। उन्हें एहसास हो गया था कि अद्विक की नजरें अभी भी उसी जगह पर थी जहां उन्होंने मिहिका को अग्नि के सुपुर्द करा था। वे एक ठंडी सांस लेकर कहते हैं, देख, तेरी काकी भी तो मुझे छोड़कर गई थी। कोई इंसान जाता है तो उसके साथ थोड़ी जाया जाता है।
संदगी तो चीनी पड़ती है ना। अगर मैं भी ऐसे ही हिम्मत हार देता तो तुझे कौन पालता? तेरे और मिहिका की वजह से ही तो मेरी जिंदगी में फिर से रौनक आ गई थी। अद्विक अपने सूख चुके आंसू को अपने दिल में महसूस कर रहा था। काका मिहिका के जाते ही रौनक भी चली गई। सुरजन काका कुछ भी न बोल सके। अद्विक फिर कुछ सोच कर बोलता है, काका मिहिका तो हमेशा ही जंगल में लकड़ियां लेने जाती थी, पर ऐसा तो कभी नहीं हुआ। और भी बहुत से लोग उस रास्ते से निकलते थे, इतना घना जंगल भी नहीं था वो, शेर वगैरह तो घने जंगल में ही रहते हैं, कहकर अद्विक चुप हो गया। सुरजन काका की अनुभवी आंखें कुछ सोचते हुए बोले, बेटा जिसका समय आ जाता है तो क्या घना जंगल और क्या जंगल का किनारा, अब जो हुआ उससे बाहर निकल चल मेरे साथ गांव। अद्विक की आंखों से फिर से आंसू निकल पड़ते हैं। पीछे पलटता है और गुस्से में किले की दीवार पर हाथ मारता है और कहता है, जी चाहता है पूरी दुनिया तबाह कर दूं, काश के मिहिका मरती नहीं, काश मैं उसे उस जंगल जाने से रोक लेता तो शायद जंगली जानवर उसे न खाते। काका क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसी मरे हुए इंसान को वापस लाया जा सके? सुरजन काका अद्विक की तरफ देखते हुए कहते हैं, बेटा तू मिहिका के जाने से बौखला गया है, तूने देखा है क्या कभी किसी मरे हुए इंसान को वापस आते हुए? और अगर ऐसा हो भी गया तो लोग उसे प्यार नहीं बल्कि नफरत ही करेंगे, उससे दूर भागेंगे। तभी अद्विक को अपने सामने कोई जानी पहचानी सी आकृति के उपस्थित होने का एहसास होता है। उसकी हिम्मत नहीं होती नजर उठाने की। न जाने क्यों वो जानी पहचानी आकृति उसे इसी प्रकार साल भर से दिखाई पड़ रही है। कई बार अद्विक ने उसका पीछा करने की कोशिश की, पर वो आकृति शायद इंसान की पहुंच से बाहर ही थी, इसलिए अद्विक कभी पता नहीं लगा पाया कि वो कौन है। अब तो अद्विक को उससे डर भी नहीं लगता था। थोड़ी देर में उसे महसूस होता है कि वो आकृति अब वहां से जा चुकी है। उसके जाने के बाद ही अद्विक सिर उठाकर देखता है, वहां सिर्फ खामोश सन्नाटा पसरा पड़ा है और कोहरे की चादर उसी प्रकार अनछुई सी फैली पड़ी है और उस सन्नाटे को और अधिक रहस्यमय बना रही थी। आग अभी भी उसी प्रकार चल रही थी। अद्विक उस पर हाथ तापते हुए कहता है, काका कभी कभी तो मुझे लगता है कि कहीं मरघटिया ने तो मिहिक की जान नहीं ले ली। सुरजन काका जो कि साथ ही साथ आग पर हाथ ताप रहे थे वो एकदम से चौंक पड़े और अद्विक की तरफ गौर से देखकर कहते हैं, बेटा अथो तुझे क्या याद नहीं है, मरघटिया तो मिहिका से पहले ही मर चुकी थी, फिर वो मिहिका की जान कैसे ले सकती है? अद्विक ने एक ठंडी सांस ली। उसकी सांस बाहर आते ही वातावरण में जम कर कोहरे का रूप ले चुकी थी। सुरजन काका कहते हैं, क्या हालत बना ली है तूने, तुझे क्या ये भी एहसास नहीं है कि मरघटिया कब मरी थी और मिहिका कब मरी? बोलकर वो फिर से आग पर हाथ सेकने लगते हैं। अद्विक आग को फिर एक लंबी लकड़ी से हिलाता है और सुरजन काका की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब मिहिका का मृत शरीर जंगल में मिला था तो सिर्फ उसका चेहरा ही जानवरों ने खाया था। काका आप बताओ, जानवर खाता तो क्या उसे पूरा का पूरा नहीं खा जाता, सिर्फ चेहरा ही खाकर छोड़ देता क्या? कभी कभी तो मुझे लगता है कि शायद बरघटिया नहीं कोई जादू टोना किया होगा उस पर। सुरजन काका अद्विक को देखते हुए कहते हैं, अथो अगर बरघटिया जिंदा होती तो भी मैं इस बात को नहीं मानता, पर मरघटिया के मरने के बाद मिहिका की मौत हुई है, इसलिए इस बात की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि मरघटिया ने मिहिका को जादू टोने से मारा है। अद्विक कुछ सोच विचार करते हुए कहता है, काका आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि मरघटिया ऐसा नहीं कर सकती? गांव वाले तो यही कहते थे ना कि वो डायन है,
उसकी नजर पड़ते ही जानवर मर जाते हैं। और तो और, कुछ लोग मरे तो उसका इल्जाम भी उन्होंने दबे स्वर में मरघटका पर लगाया। सुरजन काका कुछ नहीं बोले और सोच विचार करने लगे। काका ये बताओ, ये उसका नाम मरघटका कैसे पड़ा? ऐसा बरहूस नाम तो मैंने किसी का नहीं सुना। अद्विक हाथ तापते हुए कहता है। काका एक ठंडी सांस लेते हैं और वहां बड़ और पीपल के पेड़ पर लटके हुए चमगादड़ों को देखते हैं। उनकी आंखें ना जाने कहां अतीत में खो जाती हैं और वे कहते हैं, उसका असली नाम तो किसी को नहीं पता था, पर वो अक्सर श्मशान घाट के आसपास ही घूमती नजर आती थी, इसलिए लोगों ने उसका नाम मरघटिया रख दिया। अद्विक काका की तरफ देखता हुआ कहता है, ओह तो आप इसीलिए मुझे रोज रोज बुलाने आते हैं ताकि कहीं कोई मुझे भी मरघटिया नाम से ना पुकारने लग जाए। अद्विक की बात सुनकर काका चुप हो जाते हैं और मन महसूस लेते हैं। काका जब मरघटिया की बात बता रहे थे तब अद्विक के दिमाग में वो आकृति घूम रही थी जो अक्सर उसे श्मशान घाट में नजर आ जाती है। आगे सुनते रहे अनादि। ऐसी ही रहस्यमयी और रोमांच से भरपूर कहानी सुनते रहें सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए डाउनलोड करें प्रतिलिपि FM ऐप और ऐसी दिलचस्प कहानियों से जुड़ने के लिए इस पेज को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।